हेल्दी 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 गुड मॉर्निंग टू यू। और आज से मेरे 10 डेज का सोल्ट फ्री चैलेंज स्टार्ट हुआ। होप सो कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक हो गई और अब मैं PGI जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। और ये मेरा गेटअप है और बहुत ठंड है। और मॉर्निंग में मैं जाने से पहले एक अर्ली मॉर्निंग नारियल पानी ले रही हूँ। जो नारियल पानी पीने का सबसे बेस्ट टाइम होता है वो अर्ली मॉर्निंग खाली पेट होता है, बेस्ट होता है। तो अपने आप को डेली एक नारियल पानी ना दे पाओ तो वीकली 2 या 3 जरूर दिया कीजिए, बहुत अच्छा होता है। नहीं तो डिटॉक्सेस तो रेगुलर आपने पीने ही पीने हैं। तो आज का मैं फुल डे ऐसे ही आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूंगी कि मैं बाहर भी जाती हूँ तो भी अपनी चीजें साथ में कैरी कर लेती हूँ। तो यही मेरा सिस्टम है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 2 ईयर होने वाले हैं और मैंने अपने आप को होल्ड पे रखा हुआ है, मेंटेनेंस पे रखा हुआ है। तो 10 डेज में मुझे वेट लॉस नहीं करना, लेकिन मुझे अपनी जो आदत छूट चुकी है, कल रात को भी मैंने 20,000 steps किए, लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी वाली आदत छूट चुकी है वो मुझे दोबारा से अपने अंदर डेवलप करनी है। तो आप लोग भी अपनी जब भी आदत छूट जाती है तो अपने आप को छोटे छोटे टारगेट दिया कीजिए, बेस्ट होते हैं। आपने अपनी डेली मॉर्निंग टी चेंज करनी है। जैसे आज की मैं आपको मॉर्निंग टी देती हूँ, आप देख सकते हो पाइनएप्पल के कुछ पीसेस हैं, एक दालचीनी, थोड़े से तुलसी के पत्ते, थोड़े से मिंट और आप देख सकते हो अदरक का बिल्कुल छोटा सा बारीक सा टुकड़ा। तो जब ये 2 कप से 1 कप हो जाए तो इसे सिप सिप करके आपने आपने पीना है। तो बेस्ट इंचेस लूज होंगे, बॉडी की जो स्वेलिंग होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो मेरे 32 kg लूज तो ऐसे ही नॉर्मल होममेड टी से हुए हैं। और ऐसे अपनी होममेड टी पीजिए, सीरियसली फ्रेंड्स बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। और आप इसका डिटॉक्स वाटर भी बना के ले सकते। और ब्रेकफास्ट में मैंने मिक्स फ्रूट्स और मिक्स सीड्स नट्स की पुडिंग ली है, ये साथ में मैंने पैक कर लिए क्योंकि इतनी जल्दी मुझे भूख नहीं है। और उसके बाद मैंने एक मिक्स फ्रूट का अपना जूस लिया बिना सोल्ट के, तो कभी भी जूस में सोल्ट नहीं ऐड करना। और साथ में मैंने लंच अपना PGI में ही लिया। तो लंच में आप देख सकते हो मखाना, पीनट्स और पनीर का बहुत अच्छा सैलेड है बिना सोल्ट के। सीरियसली फ्रेंड्स अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप अपने लंच में ऐसे खुद को बहुत ज्यादा फाइबर देना स्टार्ट कर देते हो। तो ऐसे लंच डेली अपना चेंज करना है। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए एक नारियल पानी और मैंने ही लिया है। और वापस आने के बाद मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, सोल्ट फ्री मैंने मक्की का और सरसों का साग लिया है। सीरियसली फ्रेंड्स सोल्ट मत डालो तो भी टेस्टी लगता है, और मक्की की रोटी में तो वैसे ही नेचुरली ही ऐसा लगता है कि सोल्ट डाला हुआ है। फ्रेंड्स बताऊं मैं आपको, PGI में भी मेरी वॉक चल रही है, वो भी बैक स्टेप्स को मुझे ना सर्वाइकल सा फील हुआ। तो मैं जब भी मुझे सर्वाइकल फील होता है तो मैं ऐसे 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 बैक स्टेप्स करना स्टार्ट कर देती हूँ। कुछ टाइम बाद ही मेरा सर्वाइकल का जो पेन होता है उससे मुझे बहुत रिलीफ फील होता है। तो जब भी आपको पेन फील हो, जब भी आपको लगे कि आपको सर्वाइकल हो रहा है, तो आप उल्टे कदम चलना स्टार्ट कर दीजिए। विद इन फ्यू मिनट्स में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। तो दवाइयों के ऊपर सर्वाइव मत कीजिए, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए हेल्दी टिप्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए। PGI से वापस आने के बाद मेरी वॉक आफ्टर मेरा डिनर तो आपको मैं क्या बताऊँ, टाइम आप देख चुके हो। और मेरी जर्नी के साथ साथ मेरा वही रूटीन मैं दोबारा फॉलो करूंगी, वही सड़क है। सीरियसली फ्रेंड्स इस रोड से ना मेरी एक ना दिल से कनेक्टिविटी है, यहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। मुझे ना सच में इतनी पॉजिटिविटी मिलती है ना यहाँ पे। ये एक छोटा सा गांव है बिल्कुल हमारी सोसाइटी के पास और कच्चा रोड है, ठीक है आप देख सकते हो। पर यहाँ पे ना मतलब हमारी सोसाइटी के कंपैरिजन में ना बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी अलग ही है यहाँ पे, सुकून से वाली मतलब आती है। मतलब चंडीगढ़ के पास भी अगर ऐसी जगह आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है। तो अपनी जर्नी वक्त रहते वक्त पे स्टार्ट कर लीजिए। वेट आर जस्ट नंबर्स। मुझे पतला नहीं होना, देखो भाई मेरी बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने अपने अंदर ना रेगुलरिटी लेके आनी है, मैंने अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेके आनी है। और मैंने जो दोबारा से अपने आप को पुश किया है
ठीक है, उसी शिद्दत से पुश किया है जिस शिद्दत से मैंने 88 पे खुद को किया था। मुझे पतला नहीं होना, पर मुझे दोबारा से रेगुलर बनना है। तो इसलिए आपको भी मैं ये चीज करती हूँ कि एकदम से खुद को बड़ा टारगेट ना दे पाओ तो मेरी की तरह 10-10 दिन के आप अपने डे स्टार्ट कर सकते हो तो बहुत इजी हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप नहीं सोल्ट फ्री कर सकते तो मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप ये कर सकते हो, आप अपना ब्रेकफास्ट सोल्ट फ्री कर लेना और अपना डिनर सोल्ट फ्री कर लेना, डे टाइम में अपने आप को लंच में सोल्ट दे देना, तो भी बहुत ड्रास्टिक चेंज होंगे। और डेली अपने जो वॉक है उसको बढ़ाते चले जाना, सच बताऊं फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, पहले दिन 2000 स्टेप्स भी नहीं कर पाई थी। मतलब आप मेरी पिछली वीडियोस उठा के देख लेना, आपको वहां पे ना बिल्कुल पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स सच बताऊं, अपनी कमजोरी खुद बता रही हूँ, आप यकीन करोगे, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, कमजोरी तो क्या, अब तो ना मुझे हंसी आती है इस बात पे कि पहले ना जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैं फर्स्ट डे ना 1100-1200 ऐसे कुछ हुए थे यार, हाँ शायद 2000 स्टेप्स भी मुझसे नहीं हुए थे। तो मैंने अपने आप को ना बहुत कोसा था कि मतलब इतने से भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसमें भी मेरी बैंड बज गई थी, नीज में इतनी प्रॉब्लम थी। तो मैंने अपने आप को पुश किया कि इतनी तो इज्जत रख ले कि 2000 स्टेप्स तो करना चाहिए तेरे को। तो मैंने 2000 स्टेप्स किए थे, सच बता रही हूँ, हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन आज मैं वही हूँ जो इतनी इतनी वॉक कर लेती हूँ। तो एकदम से कोई नहीं सीखता, अगर आप अभी कम वॉक कर रहे हो तो कुछ दिन के बाद आपकी आदत बन जाएगी। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी बात बताऊँगी कि वॉक, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें आपकी तभी वर्क करेगी जब आप बॉडी को अच्छी हेल्दी डाइट दोगे, जब बॉडी को खाना अच्छा दोगे, फाइबर अच्छा दोगे और 100% पॉजिटिविटी से उसे पुश करोगे। धकेलना नहीं है, बोझ नहीं समझना आपने वेट लॉस जर्नी को। जब आप इंटरेस्टिंग वे में अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे तो इंटरेस्टिंग वे में ही आपके ड्रास्टिक इंचेस चेंज होंगे और न्यू ईयर पे आप अपनी फेवरेट ड्रेस डाल पाओ। और फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि आपका अगर ये जो साइड वाला फैट है, मेरा तो इतना नहीं है, मैं साइड्स में से जो ये फैट होता है ये आपका बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसे हाथ करके ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ पुश करके अगर आप ऐसे करते हो तो भी ये साइड्स का आपका बिल्कुल फैट चला जाएगा। और अगर आप वॉक करते हुए हाथ को अगर ऐसे आगे पीछे करके ऐसे वॉक करोगे तो भी बिल्कुल आपका चला जाएगा। मैं सच बताऊं फ्रेंड्स आपको, मेरी पिछली पिक्स में देखना, मेरा इतना ज़्यादा था ना यहाँ पे बिल्कुल पीछे की तरफ, ठीक है, मेरा बहुत ज़्यादा था फैट, ठीक है। तो ये फैट भी आपने अपना कम करना है तो सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो लूज बिल्कुल नहीं होगा। मेरा जो फैट है वो लूज क्यों नहीं है, और आज बताऊँ फ्रेंड्स, इतने दिनों बाद वॉक करके मुझे थोड़ी सी फील हो रही है कि मेरी सांस तेजें हो रही है, ठीक है। तो होता है स्टार्टिंग में, ये आपके साथ भी होगा, आपको भी लगेगा कि हार्ट बीट बढ़ रही है, पर घबराने वाली कोई बात नहीं होती, ये होता है स्टार्टिंग में। नी प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करेंगे तो उसके आपको साइड इफ़ेक्ट भी दिखेंगे, इफ़ेक्ट आपको बहुत बाद में दिखेंगे। तो साइड इफ़ेक्ट देखने पे एकदम से खुद को पीछे मत कर देना, अपने आप को पॉजिटिविटी जरूर देना कि नी प्रॉब्लम होती है तो हल्की फुल्की मसाज करना, और अगर आपको सांस, जैसे मुझे भी सांस चढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी नहीं होता दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी, तो मुझे कुछ दिन ये जो सांस चढ़ेंगे चढ़ेंगे, ठीक है, आप लोगों को भी चढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी आपने वरी नहीं करनी और अपने आप को हमेशा आगे की तरफ पुश करना है। और बहुत अच्छी मेरी वॉक हो चुकी है, ऑलमोस्ट आज का मेरा जो टारगेट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ में एक टारगेट जरूर दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में एक टारगेट देते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जल्दी जल्दी ना वेट कम करके धीरे धीरे हम 10-10 दिन के हम अपने ये सीरीज स्टार्ट करेंगे,
तो बहुत अच्छा खासा हंसते मुस्कुराते खाते पीते अपना वेट कम करेंगे। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो हंसते मुस्कुराते रहना। बाय बाय टू ऑल।